subscribe and turn your notifications on. पीनियल कोड का चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस। इनमें कुछ लोगों को क्राइम करने के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है और उनको छूट दी जाती है। ये लोग कौन है और इनको क्यों छोड़ दिया जाता है और इनको छोड़ देने की वजह क्या होती है, इस पे हमारे मुल्क का लॉ क्या कहता है, हम इस वीडियो में अब यही देखेंगे और इस सेक्शन पे भी यही देखेंगे। सेक्शन 98, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ETC। When an act which would otherwise be a certain offence is not that offence by reason of youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind, or the intoxication of person doing that act, or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the same right of private defence against that act which he would have if the act were that offence। मतलब ये कि सेक्शन 98 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नॉर्मली सेक्शन 98 के बारे में कोई डिस्कस और कोई बात नहीं करता और इसको ये आपकी लॉ की बुक्स के अंदर भी स्किप कर जाते हैं और हर जगह से स्किप कर जाते हैं। और हालांकि सेक्शन 98 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके अंदर कुछ बातें हैं। यहां पर वो कहता है कि जो माइनर है आप उसके खिलाफ भी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, यानी कि छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा गन पकड़ के या बंदूक पकड़ के या छुरी पकड़ के आपके ऊपर हमला करता है तो आप अपना सेल्फ डिफेंस करें। एक अनसाउंड माइंड का पर्सन उसके खिलाफ भी आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। एक नशाई बंदा आप उसके खिलाफ भी सेल्फ डिफेंस करें अगर वो आपकी बॉडी के ऊपर हमला करता है या आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर हमला करता है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से अगर कोई ना समझी में और उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो जाता है, वो समझता है कि ये डाकू है या ये क्रिमिनल है और वो बंदा आपके ऊपर हमला कर देता है हालांकि आप क्रिमिनल या डाकू नहीं थे, तो तब भी आप अपना सेल्फ डिफेंस करें। सेक्शन 98 द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक, सेक्शन 98 में कुछ कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको कोर्ट के अंदर इसका डिफेंस मिलेगा और आपको छोड़ दिया जाएगा। ये 9 कंडीशंस हैं और इनको फुलफिल करना बहुत ही जरूरी है। पहली कंडीशन, अनलॉफुल अटैक और एनी अटेम्प्ट। अगर कोई आपके ऊपर अटैक करता है या उसकी अटेम्प्ट करने लगता है, या कोई फॉर एग्जांपल कोई चोरी की अटेम्प्ट करने लगा है या कोई आपको मारने की अटेम्प्ट करने लगा है, तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। डेंजर टू लाइफ और प्रॉपर्टी, इसको सेक्शन 97 डील कर चुका है कि हर एक बंदे के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ हिज बॉडी एंड प्रॉपर्टी है। सेक्शन 97 ने ये राइट दे दिया है सबको। डू एवरी पॉसिबल थिंग फॉर प्रोटेक्शन, हर उस हद तक जाएं अपनी लाइफ को बचाने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वुड रिमेन अवेलेबल हैज लॉन्ग हैज सच डेंजर एग्जिस्ट। जब तक वो डेंजर रहती है तब तक आपका राइट ऑफ डिफेंस भी रहता है। हैज सून हैज अटैक और एनी अटेम्प्ट टू अटैक इज ओवर, योर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इज ओवर। जब अटैक खत्म हो जाए, ठीक है, या अटैक या उसकी अटेम्प्ट खत्म हो जाए, तो आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी खत्म हो जाता है। अच्छा, अब यहां पर कुछ लोगों की बात की थी, अंगेस्ट इनसेन और अनसाउंड पर्सन। सही है, जो एक पागल इंसान है अगर वो आपके ऊपर अटैक करता है तो आप तब भी डिफेंड करें। हालांकि जो इनसेन है वो तो पागल इंसान है, उसको तो वैसे ही इम्यूनिटी है अंडर सेक्शन 84 के अंदर, उसको प्रोटेक्शन है कि यानी कि अगर एक पागल इंसान कोई भी हरकत, आपकी गाड़ी तोड़ के चला जाता है या कुछ भी कर देता है या आपको कोई छुरी वगैरह मार देता है या बंदूक से उड़ा देता है, तो उसको तो लॉ ने कुछ नहीं कहना। लेकिन यहाँ पर
इस सेक्शन में आपको एक राइट दे दी है कि अगर वो पागल आप ऊपर हमला करता है तो आप भी हमला करें अपने आप को बचाने के लिए, सही है। ड्रंक पर्सन, अगर एक निशाई इंसान आपके ऊपर हमला करता है तब आप वापस हमला करें अपने आप को बचाने के लिए। एक माइनर, अगर एक माइनर गन लेके खड़ा हो गया आपके पास और आपको मारने लगे तो आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर लें। हालांकि जो माइनर है उसको सेक्शन 82 और 83 के अंदर प्रोटेक्शन हासिल है, और अगर माइनर के हाथों कोई कत्ल भी हो जाए या कुछ भी हो जाए उसको सजा नहीं मिलनी। लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन में राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक ऐसा बेसिक राइट है जो आपको दे दिया है और कहा है कि वो आप माइनर के खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। अच्छा, अगेंस्ट अंडर मिसकंसेप्शन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर किसी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, वो समझ रहे हैं कि आप चोर हैं और उसने आपको आके पकड़ लिया है और पकड़ के आपको मारना पीटना या आपको बांधना शुरू कर दिया, तब आप तब भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर ले तो तब भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक बंदा था अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, उसके ऊपर एक अटैकर ने अटैक कर दिया जिसका नाम के था, के ने डी के ऊपर अटैक किया और डी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था। रास्ते में से चलता हुआ एक पर्सन आया जिसका नाम ए था, ए ने देखा, उसने देखा कि डी है ना वो तो मर्डर कर रहा है, यहाँ तो मर्डर हो रहा है, तो ए भागा भागा आया और उसने ना डी के ऊपर हमला कर दिया, और अब ए और के मिलकर डी को मार रहे हैं और डी हालांकि अपना पहले सेल्फ डिफेंस करता था वो बेचारा मार खाई जा रहा है। तो होता ये है कि जो अटैकर था वो भाग जाता है और अब जो डी है, डी को लग रहा है कि जो ये जो दूसरा बंदा आया है ना बाद में, ये उसका कुछ साथी था या साथी है, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है। अब ए जो है, ठीक है, वो इसलिए उसको मार रहा है क्योंकि आपको याद होगा कि सेक्शन 97 के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हम अपनी बॉडी का भी कर सकते हैं और राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस किसी और की बॉडी को बचाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ए किसी और को बचाने के लिए आया था, अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, तो यहाँ पर दोनों ही बंदे अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो असल बंदा था अटैकर वो भाग गया। अब यहाँ पर इस केस में अंडर मिसकंसेप्शन बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों के पास राइट है और दोनों के लिए कोई सजा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दो भाइयों की है जिन्होंने रात को सोते हुए अपने तकिए के नीचे चाकू रखा हुआ था। जब वो आधी नींद पे होते हैं तो उनमें से एक को रियलाइज होता है कि जैसे कोई बंदा उसके ऊपर अटैक कर रहा है और उसका गला दबा रहा है। वो चाकू अपने तकिए के नीचे से निकालता है और अपने अटैकर को मारने की कोशिश करता है और वो गलती से चाकू उसके भाई को लग जाता है और ऐसे में उसके भाई की डेथ हो जाती है। तो इन दिस केस यहाँ पर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसकंसेप्शन थी। नेक्स्ट केस है, एक बंदा है जो कि लीगली इंटाइटल है उस प्रॉपर्टी पे एंटर होने का, रखता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसने एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है, वो जब वापस आया उस प्रॉपर्टी पे तो वहाँ ताला लगा हुआ था, उसने चाबी से खोलने की कोशिश की तो चाबी उसके पास थी ही नहीं। वो टाप के अंदर गया तो ऑनर को लगा कि जैसे कोई डाकू आ रहा है या कोई रॉबरी होने लगी है, तो उसने फायरिंग करना शुरू कर दी। तो ऐसे में जो ऑनर है वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कर रहा है, लेकिन जो वो बंदा है जो कि लीगली इंटाइटलमेंट रखता है उस प्रॉपर्टी में एंटर होने का, वो भी राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अपना एक्सरसाइज कर सकता है। यहाँ पर दोनों एक्सरसाइज करेंगे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिसकंसेप्शन पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक नशाई इंसान की जिसने सारी रात नशा किया, बाद में वो एक उसने एक लड़की का रेप कमिट करने की कोशिश की और लड़की ने उसको मार दिया अपने सेल्फ डिफेंस पे। तो यहाँ पर जो एक्ट है लड़की का, उसने अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया अंडर सेक्शन 98
तो इसको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। एक और एग्जांपल है, कुछ लोग थे उन्होंने एक बंदे को इंजेक्शन लगा दिए और उसको नशा करवा दिया ज़बरदस्ती। वो बंदा गया, बाद में उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो किया बाहर उसने लोगों की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में उन लोगों के पास फुल राइट है अपनी प्रॉपर्टीज को डिफेंड करने का, तो यहाँ पर आप डिफेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक औरत थी, उसने एक फैमिली डिनर चल रहा था, उसने अपनी कज़न को नशे वाली कोई चीज़ खिला दी और थोड़ी देर बाद उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने वहाँ से चाकू पकड़ा और लोगों को मारने की कोशिश की। तो ऐसे में तमाम लोगों के पास फुल राइट है अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए और अपने बचाव के लिए और अपनी अपनी लाइफ का सेल्फ डिफेंस करने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी का सेल्फ डिफेंस करने के लिए। एक और एग्जांपल है, ये है अनसाउंड माइंड की। यहाँ पर एक लड़की थी, वाइल शूटिंग अ मैन शी डिड नॉट नो दैट शी वॉज यूजिंग अ गन। उसको पता नहीं था कि वो गन यूज़ कर रही है। बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड शी डिड नॉट नो द नेचर ऑफ हर एक्ट, क्योंकि वो एक अनसाउंड उसका बिहेवियर था, ठीक है। वो अनसाउंड माइंड की एक लड़की थी, उसको पता नहीं था कि वो गन यूज कर रही है। तो ऐसे में जो आप एक्ट करेंगे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, चाहे उसको मारे पकड़ें या अगर तो फैक्ट ऐसे हैं कि उसने गन पकड़ी हुई है और आपको लग रहा है कि वो शूट कर देगी, तो आप उसको गोली भी मार सकते हैं। ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डेट वाइल शूटिंग हर ब्रदर शी डिड नो दैट शी वॉज यूजिंग द गन। उसको पता था कि वो गन यूज कर रही है, बट बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड शी थॉट दैट शी वॉज अटैक बाय अ टाइगर। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि अनसाउंड माइंड की, कि एक लड़की थी, उसको पता था कि वो गन यूज कर रही है, लेकिन उसको लगा कि कमरे में जो अभी जो शख्स एंटर हुआ है ना, वो एक टाइगर एंटर हुआ है, तो उसने ड्रॉ में से गन निकाली और शूट करना शुरू कर दिया, हालांकि वो टाइगर नहीं था, वो उसका भाई था। तो ऐसे में उसके ब्रदर के पास पूरा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है, वो एक्सरसाइज कर सकता है, वो शूट बैक भी कर सकता है और वो कुछ चीज़ भी फेंक सकता है उसकी तरफ या कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट माइनर, यहाँ पर माइनर के बारे में बताया जा रहा है कि अगर कोई माइनर खड़ा हुआ है, कोई छोटा बच्चा 7 साल का 12 साल का, और उसने गन पकड़ी हुई है और आपको गोली मारने लगे, तो आपके पास पूरा राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। और अगर आपके पास गन है या कोई चीज़ है ऐसी कि आप उसको वो चीज़ फेंक के मार भी सकते हैं, और अगर कोई गन है तो आप गोली भी मार सकते हैं उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe and turn your notifications on.